हिंदुस्तान का अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम जिसको शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और 90 के दशक में जो खून खराबा हुआ है उसका जिम्मेदार वही शख्स है और उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम इंडिया से भगोड़ा है, पाकिस्तान में जाके छुप गया है, वहीं से अपना अंतर्राष्ट्रीय गैंग वो चलाता है। जितने भी दो नंबर के धंधे होते हैं नशे के, गुटखे के और बहुत सारे अटरम छटरम फिरौती के, मर्डर के, जितने भी उसके अनलीगल धंधे हैं वो सब पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी आर्मी की छत्र छाया में करता है। पाकिस्तानी आर्मी दाऊद इब्राहिम को इतना सपोर्ट करती है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद की बेटे की बहू है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के दुश्मनों को पाकिस्तानी आदमी कैसे अपनी गोद में झुलाती है और कैसे उनको सपोर्ट करती है, उनको दूध पिलाती है और उनको पना देती है। पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया, पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में दाऊद के नाम को डाला है और ये माना है कि उसके 5 पासपोर्ट और 3 पते हैं। और इसी टॉपिक पे हमारे पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो निकले हैं पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए कि दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन है, क्या वो पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया से कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कराची में मौजूद है। तो पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इस मुद्दे पे, शुरू करते हैं। सर मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकिफ हूँ, क्योंकि वो बम्बई में रहता था। अच्छा। सोने का ताजिर था वो, बहुत बड़ा। ठीक है। और स्मगलर था, बहुत बड़ा स्मगलर भी था और इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन भी है। आतंकवादी भी था भाई, आतंकवादी भी था, संदेश भी है और वो उसको पकड़ नहीं सकते। वो क्यों नहीं पकड़ सकते? वो कहते हैं पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है। पाकिस्तान क्यों उसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को उसके साथ कोई लड़ा हुआ है, उसको वो इमदाद देता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं देता, तो पाकिस्तान के लिए तो वो मुश्किल है कि वो कैसा इंसान है वो आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अच्छा इंसान है, वो इंसान तो अच्छा है मगर वांटेड है, वो जुराइम में है, जुराइम करवाता है। असल जुराइम तो उसके लिए मुश्किल है ना। नहीं, इंसान अच्छा है लेकिन वांटेड है, जुराइम करता है। जुराइम मतलब भाई साहब ने कहा अपनी भाषा में तो जुर्म होता है, मतलब इन पाकिस्तानियों को तो कुछ पता ही नहीं है, और कुछ पता भी हो तो कितनी चालाकी से छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसकी बात है जो इंसानों को नुकसान, किसी भी इंसान को, वो गलत बात है, वो फिर वो उसका मतलब वो इंसान अच्छा नहीं है पर्सनली, वो जैसा भी होगा अगर वो किसी का नुकसान करता है, किसी की जान का नुकसान करता है तो वो बंदा गलत है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया वाले कहते हैं कि वो कराची में मौजूद है या पाकिस्तान में कहीं पर मौजूद है, आपको लगता है? नहीं बिल्कुल रॉन्ग है ये, गलत बात की जिसने भी की, वो बम्बई के अंदर है और वो अंडरग्राउंड हुआ हुआ है बिल्कुल। इंडिया की एजेंसी अब तक तो वो मर चुका होगा, क्योंकि मैंने 91 में गया था, जब मैं गया था इंडिया बम्बई, तो मैंने जब उसके साथ एक जुम्मा हमने एक जगह पढ़ा था, तो वहाँ जुम्मे में वो हमें मिला था। कैसे आपकी मुलाकात हुई उसे? आप मिलने ही उसे गए थे? नमाज पढ़ नहीं, मैं तो असल में मेरे तो अजीज़ो कार वहाँ पे हैं असल में। अच्छा। तो मैं अजीज़ो कार को तो मिलने, वो जुम्मे का दिन। ये भाई साहब फेंक रहा, लंबी लंबी छोड़ रहा है। एक एग्जांपल है, ठीक है, वो पाकिस्तान में मौजूद है तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर उसे पनाह दिया तो वो ठीक की है? नहीं बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। क्योंकि चलो वो मुसलमान है ठीक है, मगर वो इंसानों के लिए खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो ख़तरा है हमारे लिए, क्योंकि वो हर मुसलमान आदमी या हर हिंदू या कोई भी मज़हब का ले लो, उसको वो मारने के चक्कर में रहता है कि इनको मार दो, क्योंकि मेरे से ऊपर कोई हाथ ना आए, असल मकसद ये है उसका, क्योंकि वो डॉन है अब तो, वो तो बेचारा मर मुर गया होगा अब तो, पता ही नहीं है। मैं तो 91 की बात बता रहा हूँ, जब मैं गया था मेरे पास, जब बिल्कुल मेरी मुलाकात इस तरह दुआ सलाम सामने से हुई थी। ये भाई साहब तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जैसे उसके जनाजे के अंदर ये मिट्टी मिट्टी वगैरह जो भी होते हैं सुपुर्द करके आए होंगे ये। अरे भैया तुम्हारे पाकिस्तान में ये जिंदा है, सही सलामत है और अपनी बेटी की शादी जावेद मियादाद के बेटे के साथ कर रही है, पूरी दुनिया को पता है लेकिन इन पाकिस्तानियों को नहीं पता। अब इनको पता भी कैसे रहेगा, क्योंकि ये लोग कभी किताबें पढ़ते ही नहीं है, किताबें सुनते नहीं है। इसकी बातें सुन के इसके अल्प ज्ञान पे आपको हंसी आ रही होगी, ऐसे ही कोई हमारी बातों पे ना हंसे उसके लिए हमको हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि करनी चाहिए, और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो बुक्स होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, और वो कहते भी तो है अगर कोई इंसान का सबसे सच्चा मित्र है तो वो है पुस्तक। लेकिन अब हम आ गए हैं 22वीं सदी के अंदर, 22वीं सदी के अंदर जो बुक्स पढ़ने का तरीका है, जो अंदाज है, वो भी बदल चुका है। ऐसे एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उस पुस्तक में पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि जो हाजी मस्तान था वो दाऊद इब्राहिम का बॉस था, और दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान का जो बॉस थी वो एक आदमी ना होके एक औरत थी, जेनाबाई दारूवाला मुंबई की पहली महिला डॉन थी, और ये बात पता चली मुझे ये पुस्तक पढ़ने के बाद। और वैसे भी आजकल लोगों के पास किताबें पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका निकला है कि किताबों को आप सुनिए। आप इन किताबों को जिम करते हुए सुन सकते हो, आप वॉकिंग करते हुए सुन सकते हो, आप कहीं लेटे लेटे सुन सकते हो, आप बैठ के सुन सकते हो, आपको जितनी देर सुनना हो आप उतनी देर सुन सकते हो। और ईयरफोन के जरिए जब कान के जरिए आप बुक्स को सुनते हैं तो वो सीधा आपके दिमाग में जाती है, ताकि आपके दिमाग के अंदर वो अपनी शार्प मेमोरी के अंदर जगह बना ले। और ऑडियो बुक्स पढ़ने का सबसे अच्छा अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है कुकू FM, और मैं भी अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए कुकू FM पे ऑडियो बुक्स सुनता हूँ। इस ऐप पे आपको मैथोलॉजिकल, साइंस, बायोग्राफी, हिस्ट्री और धर्म से जुड़ी हुई
सारी किताबें मिल जाएगी, यहाँ तक कि आज़ादी से पहले की भी और आज़ादी से बाद के भी। आपको जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अपनी दिलचस्पी है आपको उससे रिलेटेड बुक सर्च करनी पड़ेगी और वो सब बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। ज्ञान से भरी अनगिनत ऑडियो बुक्स 4000 से भी ज़्यादा आपका इंतजार कर रही है, फिर देर किस बात की। और अगर आप अभी इसे डाउनलोड करेंगे और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, IML50, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपनी और अपने परिवार के ज्ञान की वृद्धि कीजिए। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम का आपको पता है? जी, इंडिया का मोस्ट वांटेड है, काफी नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम का, इंडिया का काफी बड़ा गैंगस्टर है वो, दाऊद इब्राहिम। इंडिया के लोग काफी डरते हैं उसके हवाले से कि मतलब जाहिर बात है वो आतंकवादी टाइप या जो भी वो उधर वहाँ पे कहते हैं, ठीक है। ओ भैया, इंडिया के लोग बिल्कुल भी नहीं डरते दाऊद इब्राहिम से, बल्कि दाऊद इब्राहिम इंडिया की पुलिस से, इंडिया के कानून से डरता है और जो भाग कर तुम्हारे पाकिस्तान में छुप गया है। और नहीं तो क्या, जो तुम्हारी आयशा है उसको अपनी गोद में बिठा के लोरी सुनाती है, ठीक है। इंडिया के लोग नहीं डरते, इंडिया के लोग डरते हैं। तो आपको लगता है कि वो कैसा बंदा है? वो जैसा भी बंदा है, इंडिया के लोग उससे डरते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई उसके साथ कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान कोई डर नहीं है, कोई हमें किस चीज का डर? पाकिस्तान में तो खुद इतने को गैंगस्टर है जिसका कोई हिसाब नहीं, किसी नाम में नहीं आता दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ पे। मतलब है यहाँ पे हर दूसरी गली में कोई, दूसरी गली में क्या, हर मोहल्ले में सर ये काम हो रहा है कि बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा टेररिस्ट, हर किस्म का बंदा पाकिस्तान में है। क्या बोला? टेररिस्ट, हर टेररिस्ट, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में टेररिस्ट है। जरा गौर फरमाइए, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा टेररिस्ट है। अगर हम इनको आतंकवादी बोल देते हैं तो इनको लग जाती मिर्ची, देख लो इन आतंकवादियों को। दाऊद इब्राहिम को तो हम अपनी जूती के बराबर भी नहीं मानते कि कोई बंदा नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है, डर नहीं है उससे, क्या डरना है। इंडिया की गवर्नमेंट ये कहती है, इंडिया के लोग एजेंसीज ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे ना कराची में या किसी भी जगह पे पनाह दिया, आपको लगता है वो यहाँ पे मौजूद? नहीं, हो ही नहीं सकता दाऊद इब्राहिम को यहाँ पे किसी ने पनाह दिया, उसका पाकिस्तान में काम ही कोई नहीं है सर जी। चल झूठा, ये पूरी दुनिया जानती है मेरे भाई, और तुम कहते हो कि दाऊद इब्राहिम तुम्हारे वहाँ है ही नहीं। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन है या पर्सन है, आप उसको जानते हैं? नहीं, नाम उसका सुना हुआ है, इतना जानता नहीं हूँ खास, जैसे वो इंडिया में फेमस वगैरह कहते हैं तो बस उसका नाम वगैरह सुना हुआ है, वैसे मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, इंडिया वाले ये कहते हैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दिया, वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के किसी शहर में रहता है, आपको लगता है? मैं बताता हूँ, कराची में रहता है, कराची में। नहीं, मेरे ख्याल से तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बेसिकली उसका जो उनका मुल्क है वो इंडिया है, तो हर इंसान अपने ही मुल्क में रहना ज़्यादा पसंद करता है। वो भाग चुका है ना वहाँ, जाहिर बात है उसे खतरा था कि पकड़ा जाऊँगा, मारा जाऊँगा, वहाँ से वो भाग चुका है, तो अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया हुआ है और पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है। नहीं, बेसिकली जोन सा है वो कहीं इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में तो नहीं है। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में होता तो यहाँ पे जोन से ISI है, ठीक है, उसके बाद आर्मी है, ठीक है, उसके बाद पुलिस है, एजेंसी है काफ़ी जो उसको 4D जोन सा है वो दे सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो लेकिन जोन सा है वो इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में हो तो फौरन पता चल जाएगा कौन सा इंसान अंदर आ रहा है और कौन जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, जैसे लादेन के बारे में इनको पता था, इनकी ISI को सब पता था कि लादेन को कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि लादेन इनकी ISI को पैसे भर रहा था, उसी प्रकार से दाऊद इनको पैसे मुँह पे फेंक रहा है। ISI को क्या चाहिए, भूखे नंगे तो है पाकिस्तानी, पैसे चाहिए, उसका 2 नंबर का धंधा पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, और पाकिस्तान में जितना भी गुटखे का व्यापार होता है, गुटखा किंग अगर कोई है तो वो दाऊद इब्राहिम तो है भाई, होश के नाखून चबाओ, वो तुम्हारा बाप बन के तुम्हारे वही बैठा हुआ है वो, और तुम्हारी ISI उसको पाल रही है जैसे लादेन को पाली थी। दाऊद इब्राहिम जैसा बंदा यहाँ पे मौजूद होता पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लोग भी ऐसे ही डरते उससे? नहीं, बेसिकली पाकिस्तान के लोग क्यों डरेंगे, यहाँ पे तो हर इंसान ही एक से दूसरा जोन सा दाऊद इब्राहिम ही है, ठीक है, तो पाकिस्तान से जोन सा है वो क्यों डरना है। बेसिकली इंडिया जोन सा है ना वो पाकिस्तान के ऊपर उनसे ज़रा खाड़बाजी रहता है कि हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ है, हमारे पास पाकिस्तान के पास ही सब कुछ है, डैम। भाई भाई भाई, क्या क्या है तुम्हारे पास बताओ, के पास जो इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं वो मतलब इतना कुछ है, वो तो उनके लिए जो हमारे पास एटम बम है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। इस टाइम जोन सा ना फुल पावरफुल है, इसके बाद पाकिस्तान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो सबसे पावरफुल है। तो एटम बम का हमने क्या करना है जब हमारी इकानमी इतनी कमज़ोर है, हमारे इधर महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमारे इधर अपना कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं उस तरीके से बन पाती, तो एक बम को रख के हमने एटम को रख के क्या करना है? ये बेसिकली जोन सा है, ये हुक्मरान वगैरह जोन से उनको चाहिए ना कि जोन सा है इस बारे में, जी देखें, ठीक है।
तो इन पाकिस्तानियों को अपने परमाणु बम पर घमंड है, लेकिन इनका परमाणु बम का घमंड किस काम का, जब इनके पास में खाने को दाने नहीं है, इनके पास चाय पीने को नहीं है, इनके पास रोटी खाने को नहीं है, तो किस बात का घमंड भैया, भूखे नंगो कंगलो। सही बात है। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार है वो जरूर प्रकट करके कमेंट बॉक्स में जाइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपका होता, आप राजा है वहाँ के। और आप लोग भी अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए, ताकि हम इन जाहिलों को और जलील करते रहें, और वो ज्ञान बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेगी कुकू FM, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आप IML50 मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, पहले 250 आदमियों के लिए ये डिस्काउंट है, तो जल्दी से जाओ और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।